इसमें कलर ग्रीन कलर करेंगे हम लोग। पहले आउटलाइन आउटलाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे इसके अंदर इस कलर। आउटलाइन आपने अच्छी अच्छी करनी है, ठीक है। आउटलाइन सही करोगे तो आपके कलर करने में आसानी रहेगी। चलें जी, हमारी आउटलाइन होगी। इसके बाद हम लोग अंदर इसके अंदर कलर करेंगे। चलें जी, जिस फिनिश में हमारा कलर हो गया ग्रीन, अब हम करेंगे कॉर्न में कलर। कॉर्न की ये नीचे वाले जो लीव्स हैं, हम इसमें ग्रीन ही कलर करेंगे। ये पहले आउटलाइन, फिर उसके बाद इसके अंदर कलर करना है, ठीक है। लीव्स में हमारे कलर हो गए, अब हम करेंगे ऊपर येलो कलर। येलो कलर पहले हम आउटलाइन कर लें, उसके बाद हम इसके अंदर कलर करेंगे। इससे कलर इजीली और अच्छे होते हैं। चलें जी, ये हमारा कॉर्न में भी यही कलर कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, हमारे कॉर्न में भी कलर हो गया। अब हमारा रहेगा टर्निप। लोअर पार्ट वाइट ही रहेगा, अपर पार्ट हम लोग पर्पल कराएंगे, इसलिए हम हाफ़ करने के लिए दरमियान में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ताकि इजीली हम ऊपर वाले में पर्पल कर सकें और नीचे वाला पार्ट वाइट ही रहे। अब ऊपर पहले आउटलाइन करके फिर इसके अंदर हम लोग कलर करेंगे। होगी हमारी आउटलाइन। अब आउटलाइन के बाद हम लोग करेंगे इसमें कलर। कलर्स बाहर नहीं निकालने, ठीक है। ये हमारा इसमें अब कलर हो गया। अब हम करेंगे लीव्स, रह गए हम लीव्स में कलर करेंगे। ये लीव्स हैं, लीव्स में हम लोग कलर करेंगे। अच्छे अच्छे कलर करने, कलर बाहर नहीं बिल्कुल भी निकालने। हमारा टर्निप में भी कलर, हमारा पेज कंप्लीट हो गया। सारे वेजिटेबल्स में हमने कलर्स कर लिए हैं। और लास्ट पे थोड़ी सी स्टेटमेंट है, हम वो देखेंगे क्या है। कैरट्स, पीज एंड ब्रोकलीज वेजिटेबल आर गुड फॉर मी, फॉर माई स्नैक्स एंड इन माई लंच। वेजी स्टिक्स आर ग्रेट टू मच, शुड वी ईट वेजिटेबल और कैंडीज। ऑब्वियसली वेजिटेबल्स अच्छी होती हैं, तो हम वेजिटेबल्स के ऊपर टिक करेंगे।